नहीं है, पैसा खर्च करना नहीं। ये बिल्कुल जैसे आप ये साहब कह रहे थे कि हेल्थ और एजुकेशन में इकोनॉमी बढ़ रहा है मगर सप्लाई नहीं बढ़ रही और अस्पताल वही उतने ही है, नर्सेस डॉक्टर्स, ये बहुत बड़ी क्राइसिस है। और इस पे जैसे सक्सेना साहब ने कहा, आप दुनिया में कहीं भी देख लीजिए, हेल्थ और एजुकेशन को मिला के स्टेट इस पे काफी देखता है, स्टेट प्राइमरी तो एजुकेशन देखता ही है, कम से कम 10% ऑफ जीडीपी खर्च होता है, मगर हिंदुस्तान में अभी तक हम उसका आधे से भी नीचे है, 4% पर, 4% में बैठे हुए। जबकि आप देखिए चाइना में 60-70 में बेयरफुट डॉक्टर होते थे, वो लोग डॉक्टर्स को गांव में भेजते थे। अब यहाँ पे हमारे यहाँ ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, अब डेमोक्रेसी में सब अपनी मनमर्जी करते हैं। 20-22 वर्ष पहले तक ये था कि स्टेट की सोच ये थी कि हम कुछ करेंगे, अब ये है कि उसमें भी काफी